दालें घर पर सबके होती है राइट, और दाल जो होती है एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वेजिटेरियंस के लिए, और हमारे घर की तो जी फेवरेट मूंगी की दाल मम्मी हर दूसरे दिन बना देती है, और इसी मूंगी की दाल के साथ हम बनाएंगे मूंगलेट। अब आपने पूछना है जी मूंगलेट क्या है, भाई मूंगलेट एक चटपटा नमकीन पैनकेक की तरह है जो आप नाश्ते में खा सकते हैं, बतौर स्नैक खा सकते हैं, बच्चों को उनके लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं, और हाँ लाइक आई सेड प्रोटीन रिच है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की ये मज़ेदार नाश्ते का जुगाड़ मूंगलेट। और हाँ साथ में बड़े अमचूर और चाट मसाले वाली चटनी। हमने मूंग दाल ली, धुली, उसको भिगो दिया, कम से कम 2 घंटे भिगोना है, उसके बाद ये फूल जाएगी और इसे हम छान लेंगे। यूँ क्विक रेसिपी है, ज़्यादा समय नहीं लगना इसे पकाने में और तैयार करने में। दाल को जी पीसना है, सिंपल है। दाल पीसेगी थोड़ी अदरक के साथ और थोड़ी सी हल्दी, साथ में ज़रा सा पानी। पानी की मात्रा पहले ना कमी डालना, वरना ये हो जाएगा बैटर पतला, फिर आप दाल बढ़ाओगे, फिर बैटर गाढ़ा हो जाएगा, फिर पानी डालोगे, फिर दाल, फिर पानी, वो चलता रहेगा, इसलिए कम पानी डालना है। अब बाकी का पानी, वाह लुक एट दिस नाइस स्मूथ बैटर रेडी, ये रहा नाइस थिक बैटर जो हमें चाहिए था वही मिला है। अब इस बैटर के अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो अवॉइड कर सकते हैं, इसके अंदर बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा जीरा, बारीक कटी गाजर या ग्रेट भी कर सकते हैं आप इसे, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया, कैप्सिकम, स्वाद अनुसार नमक। और सब्जियों का ये है जी मिजाज कि जो सब्ज़ी आपको पसंद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्जियों में कंजूसी नहीं, भर कर डालिए, हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर ये रेसिपी बनेगी। अब ऑप्शनल है, लेकिन ज़रा सा कड़ी पत्ता अगर आप इसमें डालते हैं साबुत या चॉप करके तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए जी हम तो डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। आपके पास अगर नहीं भी है नो प्रॉब्लम, उसके बगैर भी चल जाएगा। मूंगलेट का बैटर रेडी, अब बनाएंगे एक चटपटी अमचूर और चाट मसाले की चटनी, सिंपल है वो भी। पानी लेना है जी एक बोल में, सबसे पहले उसमें हम डालेंगे अमचूर का पाउडर, साथ ही में चीनी और चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, काला नमक, चिली पाउडर और नमक, मिक्स इट अप, अच्छे से मिक्स करिए ताकि इसकी गुठलियाँ निकल जाएं, अमचूर की गुठलियाँ, और अब इसे हम पकाएंगे। एक क्विक बॉयल, चटनी तैयार, जितनी जल्दी हमारा बैटर तैयार उससे जल्दी चटनी तैयार, है ना कमाल। अमचूर की ना खासियत है, जैसे आप उसे उबालते हैं पानी के साथ ना, वो बहुत जल्दी थिक हो जाती है। इस रेसिपी के अंदर अगर आपके पास घर पर इमली है तो इमली की चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली की चटनी पकाने में बहुत समय लगता है। इसको एक अच्छा बॉयल आया, 2 मिनट पकाया है, ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है, गैस ऑफ क्योंकि ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। सुपर्ब टेस्ट, वेरी वेरी नाइस। चटनी को ठंडा करने के लिए रख देंगे, चटनी तैयार, मूंगलेट का बैटर तैयार, अब बस मूंगलेट तैयार करते हैं। अब मूंगलेट तैयार करने के लिए, क्योंकि मूंग दाल काफ़ी हैवी होती है, उसे हमें लाइट करना है। उसे लाइट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला है कि आप इनो डाल दीजिए, उसे फर्मेंट करेगा और मूंगलेट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा। दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, इस रेसिपी के अंदर 1 छोटा चम्मच। अगर बेकिंग पाउडर आपके पास नहीं है तो इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच, लेकिन उस सूरत में आपको 2 बड़े चम्मच दही इसमें डालना पड़ेगा ताकि बेकिंग सोडा अच्छे से रिएक्ट होकर इसको फुला दे। दैट्स इट, फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनो क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है। ये गया जी हमारा इनो, एंड जेंटली इसे अब हम मिक्स करेंगे, और कुछ ही सेकंड्स में
ये पूरा का पूरा बैटर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, एरेशन आ जाएगी इसमें। ये देखिए बैटर हमारा तैयार है। हल्का सा मिलाने के बाद इसे छोड़ दीजिए, ज़्यादा मिलाएंगे ये दोबारा से बैठ जाएगा। हमने लिया जी एक नॉन स्टिक पैन जिसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दीजिए और अब ये बैटर जाएगा थोड़ा सा इस पैन के अंदर। जितना पैन का बेस है, साइज है, उतना मैं बैटर डाल रहा हूँ। गैस कर दीजिए हल्की और इसको अब मैं ढक रहा हूँ। अब ढकने से क्या होगा, स्टीम बनेगी। स्टीम से ये पहला मॉइस्ट रहेगा, मतलब सूखा सूखा नहीं निकलेगा, और दूसरा स्टीम इसको अगेन ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, विच मीन्स के बहुत ही ज़्यादा फ्लफी मूंगलेट बनेगा। देखिए मूंगलेट बनाना आसान है, लेकिन वो ठीक से अगर नहीं बना, सूखा सूखा रूखा रूखा लगा तो फ़ायदा क्या। आप बहुत ज़्यादा चटनी खाएंगे तो फिर वो हाई प्रोटीन जो हम बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं होना, अगर आपने हाई शुगर खा ली तो। इसलिए चटनी खाइए, कम खाइए, मूंगलेट ज़्यादा खाइए। लेट्स चेक ऑन दिस, परफेक्ट। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और अब इसको हम पलटेंगे। ब्यूटिफुल, नाइस एंड क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड, सॉफ्ट एंड फ्लफी फ्रॉम द इनसाइड। ये है बढ़िया मूंगलेट। एक बार फिर से इसे हम ढक देंगे और अपनी ही स्टीम में ये पकेगा। ब्यूटिफुल, चाकू से थोड़ा इस तरीके से हम इसे पंचर कर देंगे ताकि अगर कुछ कच्चा बैटर है वो बाहर आकर पक जाए। एक बार दोबारा से इसे कवर करेंगे और पकने देंगे। टाइम टू चेक, अमेजिंग, ओहो लुक एट दैट, ब्यूटिफुल। ये तैयार है, लेट्स प्लेट दिस। दिस स्मेल्स अमेजिंग। काट के आपको मैं दिखाता हूँ। ब्यूटिफुल। चलिए एक और तैयार करते हैं। थोड़ा सा ऑयल, बैटर इन द सेंटर और इसे ढक देंगे। आंच हल्की, दैट्स इट। लुक एट दिस, ब्यूटिफुल। थोड़ा सा ऑयल या घी ऑन द टॉप एज वेल। अब इसे फ्लिप करेंगे। ब्यूटिफुल, वंस अगेन कवर एंड लेट इट कुक। नाइफ से इसे हल्का हल्का पोक कर देंगे ताकि अगर बैटर कहीं कच्चा होगा तो पक जाएगा। ये देखिए दूसरी तरफ भी ये तैयार, लेट्स प्लेट दिस। लुक एट दिस, ये नाश्ता जिसको मिलेगा मना थोड़ी ना करेगा, बोलेगा लाओ जी एक और, वन मोर। और हमारी ये मूंगलेट अमचूर की चटनी के साथ डन। Hmm.